मैं जो बस एग खाती हूँ, एग पोर्स का असली यूज खाइए हो रहा है। बाय। मत रो। वो 5 ईयर बाद आई है तो इमोशनल हो गए हैं थोड़ा, नहीं बहुत ज्यादा। हेलो एवरीवन, सो होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आज है 10th of June, मैं पूरे 1 महीने बाद ब्लॉगिंग कर रही हूँ और आज है, और आज का संडे सबसे स्पेशल संडे है आफ्टर 5 ईयर्स, क्योंकि आज आई है मेरी फ्रेंड, शी इज वन ऑफ माय रियली गुड फ्रेंड। तो वो आई है, वो भी ऐसा कुछ उसका प्री प्लान नहीं था, वो आई है अपने फ्रेंड के अपने भाई के शादी के शॉपिंग में। तो वो तो 3 दिन से आई हुई है, तो आज फाइनली हमने प्लान किया है मिलने का, तो आई एम वेरी एक्साइटेड। तो 10 बजे मिलने का प्लान था और 9:40 हो रहा है, तो अभी मैं फटाफट से रेडी होती हूँ, नहा वहा लिया है, फिर भी देख लो कितनी गर्मी है यहाँ पर, वैसे गर्मी तो हर जगह है। सो पहले जल्दी से रेडी होते हैं, और वो 5 ईयर बाद आई है तो उसके लिए मैंने एक गिफ्ट भी ऑर्डर कर लिया है ब्लिंकिट से, बिकॉज टाइम नहीं था और मैं 1 महीने से बीमार चल रही थी। आप मेरी शक्ल अगर किसी और वीडियो और अभी देखोगे तो बहुत फर्क है। तो अभी मैं रेडी होती हूँ, मेरी तबीयत भी थोड़ी ख़राब है, बट वो 5 ईयर बाद आई है और आज वो 4 बजे उसकी फ्लाइट है, वो चली जाएगी, तो वी हैव टू मीट हर। सो जल्दी से रेडी होते हैं, उसके गिफ्ट विफ्ट को ये करते हैं, फिर मैं पहले रेडी खुद हो जाऊँ, फिर मैं दिखाती हूँ मैंने उसके लिए क्या लिया है। तो चलो, अब मैं रेडी हो रही थी, आई एम जस्ट यूजिंग माई पिक्सी का ब्लश एंड आई एम थिंकिंग, यार भाई ये तो बाहर घर में इतनी गर्मी लग रही है, पसीना हो रहा है, बाहर जाके तो ये खत्म ही हो जाना है, लेकिन क्या करो यार, खरीदा है थोड़ा लगा लेती हूँ। बस ये मैंने क्या है मेकअप कुछ, अभी बाल वाल सेट करते हैं और चलते हैं, बाल मैं खोई खोलने वाले गए, बहुत गर्मी है। तो मैं हो गई हूँ रेडी, आई नो द लुक इज नॉट अकॉर्डिंग टू लाइक कुछ अच्छा लुक मैंने नहीं बनाया हेयर स्टाइल, बट अभी मेरे लिए कंफर्ट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जस्ट बिकॉज अभी मैं तुरंत बीमार से उठी हूँ और बाल का हेयर स्टाइल करने के लिए उसको ओपन करना पड़ेगा, एंड आई एम राइट नाउ नॉट वेल, और घर में इतना पसीना हो रहा है, बाहर क्या ट्रैवल करने पे होगा, धूप बहुत है, इट्स 43 डिग्री, और मुझे अभी ब्यूटी से ज़्यादा हेल्थ पे फोकस करना है, तो आई एम जस्ट गोइंग लाइक दिस। दिस इज़ माई टॉप एंड दिस इज़ माई डेनिम, थोड़ा सा मेरा ये गंदा है, एक्चुअली दाग नहीं निकलता, सो येस। सो अभी कुछ सीन ऐसा है, एक्चुअली मेरा हेयर स्टाइल भी अच्छा नहीं बना ना, मेरे को मूड खराब है, लेकिन शक्ल से क्या लेना देना, मुझे तो अपने दोस्त से मिलना है। तो गाइस हम अपने फ्रेंड को एक ये हेडफोन देंगे, ये शावर कैंडी, और ये बस घर से निकले वो पीछे ऐसे, और बहुत गर्मी है, बहुत। ये अपना ही रील बना रही है गाइस, लेकर घर से थोड़ी निकलवाना है, मैं जो बस एग खाती हूँ। ओह माय गॉड, यहाँ एसी चल रहा है, बंदी हवा ले रही है इसका हैंडल कट से। आज का क्या सीन है? आज का सीन बर्गर सिंह, आज का सीन बर्गर सिंह। पहले पर्स का असली यूज खाइए हो रहा है, क्या बोलते हैं इसको, यू वो हम तो क्या पढ़े थे, यूटिलिटी प्रोडक्ट, यूटिलिटी पर्स का यूटिलाइजेशन हो रहा है इसको, फोन स्टैंड बना के। तो यहाँ पर हमारा खाना आ गया था, बर्गर सिंह मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाली थी, और मैं 1 महीने बाद बाहर का खाने वाली हूँ। तो गाइस लड़की वेज है और पता नहीं क्या क्या छाट रही है, क्या छाट वेज में प्याज नहीं खाते, ए भाई तो बोलना था तो हम उसको पहले ही मना कर देते ना। तो देखिए गाइस, यही है वेजिटेरियन दोस्त बनाने का मजबूरी। मैं खाती हूँ। तो अभी प्याज क्यों अवॉइड कर रही हो? प्याज पसंद नहीं है। अच्छा, बात करते करते हमने जो लंच है कर लिया, तो गाइस ये वॉल ऑफ फ्रेम है, लेकिन हम लोग का फोटो नहीं लग पाया, अब हम लोग जाने का मन नहीं कर रहा, लेकिन जाना पड़ेगा, लेकिन हम फिर मिलेंगे। कितना का खुदरा लेना है तुमको? मेट्रो में चलता नहीं है ना, 100 किलोमीटर तो कुछ ही है। नहीं मेरे को जरूरत नहीं है, मेरे पास 100 ही चलाएंगे, अब ये खुला लेने जा रही है, कॉन्फिडेंस देखिए।
स्पीड से गई उस स्पीड से रिटर्न आ रही हो तुम गाइस लोग मेट्रो तक छोड़ने आता है, हम स्टेशन तक छोड़ने जा रहे हैं, मतलब नाटक जो है ना बाबू अब गाइस जाने का तैयारी हो रहा है। तुम्हारा नेट नहीं चल रहा है क्या? रुको हम दे दे, चल तो रहा है, बता नहीं बे तो तुम्हारा नंबर किसी का थोड़ी पता है जो पासवर्ड यूज कर लेगा। ठीक है, आप टिकट कट रहा है मत रो हम आएंगे। हो गया तो गाइस अब हम भी जा रही है, अब हम लोग वापस मिलेंगे बहुत जल्दी, बाय। चलो अब जा जल्दी। गाइस मेरी दोस्त ऑलमोस्ट जा चली गई है, अभी वो बोली है उस प्लेटफॉर्म पे जाएगी तो भी बनाना। मेरे को बुरा बहुत ज्यादा लग रहा है बिकॉज 5 साल बाद एक जो और 1 घंटे में इमोशनल हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सबके लाइफ में अभी काम है, एवरीवन हैव टू ग्रो। तो सिर्फ कभी मिलेंगे हम लोग, उसे के बाद में बात करते हैं। तो गाइस थोड़ा सा इमोशनल हो गए हैं, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा, बट ठीक है। मैं थोड़ा इमोशनल हो गई थी तो व्लॉग फिर बनाया नहीं, फिर घर आके इंडिया पाकिस्तान का मैच देखा और इंडिया जीत गया। सब्सक्राइब करके जाना।